दोस्तों आज का प्लान है 20 फीट × 25 फीट, ये 55 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 500 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 5 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 20 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 25 फीट, बैक का डायमेंशन 20 फीट, इस साइड का डायमेंशन 25 फीट। दोस्तों इस प्लान में हम लोग पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, फिर इस प्लान का हम लोग 3D व्यू देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेयर से। इस प्लान में मैंने दो रास्ता दिया है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे मेन गेट है, ये गेट है यहाँ पे। ये जो स्टेयर है इसका जो ये फर्स्ट लैंडिंग है 8 फीट हाइट पे होगा और उसी के नीचे में यहाँ पे ये मेन डोर लगा हुआ है और एक मेन गेट यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर में डायरेक्ट अंदर जाने के लिए। यहाँ से एंट्रेंस है, ये डोर है। हम लोग पहले स्टेयर की बात करते हैं। ये स्टेयर एरिया है जिसका डायमेंशन है 12 फीट 11 इंच × 6 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 12 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट 6 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है लैंडिंग का 3 फीट 3 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट 3 इंच का और एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट 3 इंच का। ये ग्राउंड फ्लोर में अंदर जाने के लिए डोर है। इस प्लान में इस स्टेयर में ये जो लैंडिंग का एरिया है ये आगे की ओर 3 फीट 6 इंच निकाला हुआ है जो स्टेयर के साथ फर्स्ट लैंडिंग से टॉप फ्लोर तक चला जाएगा। एक मेन गेट यहाँ दिया हुआ है, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर डोर लगा हुआ है जो डाइनिंग स्पेस में आ जाएगा। ये डाइनिंग स्पेस है और यहाँ पर एक ओपन किचन दिया गया है जिसका डायमेंशन है इस साइड का 13 फीट 10 इंच और इस साइड का 12 फीट 9 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट 10 इंच का। किचन का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन दिया गया है 7 फीट और एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 6 फीट 5 इंच का। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ है, यहाँ एक विंडो दिया हुआ है। इस किचन में यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है, यहाँ पर किचन सिंक लगा हुआ है। इस किचन में यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है। इस प्लान में हम लोग अब इस बाथरूम की बात करते हैं। ये बाथरूम है जिसका डायमेंशन है 4 फीट × 6 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट। ये बाथरूम का डोर है, यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। हम लोग बेडरूम में आते हैं। ये बेडरूम है जिसका डायमेंशन है 9 फीट 11 इंच × 9 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट 9 इंच। इस बेडरूम में यहाँ 2 विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो यहाँ पे है और एक विंडो इस साइड में है। ये इस बेडरूम का डोर है, यहाँ एक डायमेंशन दिया गया है 3 फीट 4 इंच का इस डोर के लिए। हम लोग एक और बेडरूम जो है उसकी बात करते हैं। ये डाइनिंग स्पेस है, यहाँ से एंट्रेंस है इस बेडरूम के लिए जिसका डायमेंशन है 9 फीट 11 इंच × 9 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट। इस बेडरूम में एक विंडो यहाँ लगा हुआ है, एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है। ये इस बेडरूम का डोर है। इस प्लान में कॉलम की बात करें तो इसमें कॉलम लगा हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक यहाँ भी कॉलम लगा हुआ है, एक यहाँ भी लगा हुआ है और एक यहाँ भी लगा हुआ है। एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पे दिया गया है, एक कॉलम यहाँ दिया गया है, एक कॉलम यहाँ पर भी दिया गया है। टोटल 11 कॉलम्स लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। स्टेयर से जब यहाँ से अप होंगे तो यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इस स्टेयर में रोशनी के लिए यहाँ फर्स्ट फ्लोर से एक विंडो लगा हुआ है जो टॉप फ्लोर तक चला जाएगा और यहाँ से फिर अप होकर फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। स्टेयर का डायमेंशन वैसे ही है, इस साइड का 12 फीट 11 इंच और इस साइड का 6 फीट 6 इंच। ये अंदर जाने के लिए डोर है। इस स्टेयर से
जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे अंदर आएंगे तो ये डाइनिंग स्पेस आएगा, और इस तरफ आएंगे तो ये डोर होते हुए यहाँ बालकोनी में आ जाएंगे। ये बालकोनी है जिसका डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच × 12 फीट 8 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 12 फीट 8 इंच। दोस्तों इस बालकोनी के लिए फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ बालकोनी का डायमेंशन यहाँ पे प्लस हुआ। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे यहाँ पे किचन था, यहाँ भी किचन है, यहाँ डाइनिंग स्पेस था, यहाँ बाथरूम था, यहाँ पर बेडरूम था, बेडरूम है, यहाँ पर भी बेडरूम था, बेडरूम है। दोस्तों इस प्लान में हम लोग अब 3D व्यू देखते हैं। यहाँ से मेन गेट है और एक मेन गेट यहाँ पे है, ये लैंडिंग फर्स्ट लैंडिंग जो है इसके नीचे से स्टेयर साइड से हम लोग इन करके यहाँ पे अप हो करके यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा और ऊपर जाकर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ ये मेन गेट से जब हम लोग अंदर आएंगे तो यहाँ पे अंदर आने के बाद ये डाइनिंग स्पेस मिलेगा, यहाँ पर ये किचन मिलेगा और एक बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम यहाँ पे है और ये बाथरूम है। ये था दोस्तों इस प्लान का 3D व्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।